नमस्कार दोस्तों, आज मैं दरअसल आपसे बात करने वाला हूँ नवंबर महीने में निकली हुई सबसे अधिक सरकारी वैकेंसी के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में आपका जो एसएससी है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा एसएससी कांस्टेबल जीडी के पद पर तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 24,369 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और ये दरअसल सिर्फ एक विभाग में नहीं, कई विभागों में है। मैंने जिस विभाग को अपने वीडियो में शामिल किया है वो विभाग है आपका बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी विभाग में भर्ती निकाली गई है, और भी अन्य विभाग हैं जिनमें एसएससी के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है और पोस्ट है आपकी एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट। दरअसल वो अन्य विभाग आपके मैं कह सकता हूँ कि एसएसएफ के हो सकते हैं, सशस्त्र सीमा बल का हो सकता है, सीआरपीएफ का हो सकता है यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या फिर आपका सीआईएसएफ का हो सकता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या फिर आपका एनसीबी कह लीजिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या फिर आप एआर कह लीजिए, आसाम राइफल्स। तो ये तमाम विभाग हैं जिन विभागों में ये भर्ती एसएससी कांस्टेबल जीडी के पद पर निकाली गई है। सिर्फ एक बीएसएफ नहीं है, लेकिन बीएसएफ को मैंने इस वजह से कवर किया, इस वजह से इसके ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि सबसे अधिक पोस्ट इसी में है। क्योंकि कुल पोस्ट तो 24,369 है, जिसमें से बीएसएफ अकेले ऐसा विभाग है जिसमें कुल 10,000, आप कह सकते हैं कि 10,497 पद हैं। और इसमें ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिर्फ आपका 10 पास होना इनफ है। परसेंटेज आपका कितना भी हो, आपने किसी भी बोर्ड से पास कर रखा हो, आप पुरुष हो, महिला हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं से बिलोंग करने वाले हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो है पोस्ट भी ठीक ठाक दी गई है। तकरीबन मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो पदों की संख्या है वो 10,497 है, यानी यदि आपने कायदे से तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन होने की ठीक ठाक उम्मीद बन जाती है। आइए अब बात करते हैं कि इसको आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो अप्लाई होने की डेट तो चालू हो गई है, आप तकरीबन 27 अक्टूबर से स्टार्ट है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 नवंबर सन 2022 है। तो यानी आपके पास ठीक ठाक टाइम है, आप इस टाइम के बीच में अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है। और हाँ, कोशिश ये करिएगा कि जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाते हैं खुद से करते हैं या फिर आप जाकर अपने साइबर कैफ़े पर जाकर के करते हैं, पहले कायदे से इसको समझ लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा कर लीजिएगा, फ़ोटोज़ ले लीजिएगा, अपनी एड्रेस डिटेल जो कुछ भी है हर एक चीज़ की जानकारी रख लीजिएगा, और ईमेल आईडी वगैरह प्रॉपर तरीके से जनरेट कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर जाने के बाद जल्दबाजी के चक्कर में कोई इशू, कोई एरर ना क्रिएट हो। अगर मैं बात करता हूँ इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ है यदि आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। यदि आप महिला हैं, चाहे आप किसी कैटेगरी से हों, जनरल से हों, ओबीसी से हों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हों, आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है, जीरो पेमेंट है। और चाहे आप शेड्यूल्ड कास्ट से भी हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब से भी हैं यानी एससी एसटी से हैं, तो भी आपकी कोई पेमेंट नहीं लगने वाली है। अब अगली बात करता हूँ एज लिमिट की, यानी उम्र सीमा कितनी रहने वाली है। तो ये 18 से 23 साल है और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है कुछ कैटेगरीज को देखते हुए। रिलैक्सेशन जैसे मैं ओबीसी की बात करूं तो इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी जहां सामान्य लोगों के लिए 18 से 23 साल होगी, वहीं यदि कोई ओबीसी का है, छात्र है, तो उसके लिए 18 से 26 साल की होगी। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी जहाँ आम बच्चों के लिए 18 से 23 साल होगी, वहाँ यदि कोई बच्चा शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है तो उसके लिए यही चीज़ 28 वर्ष तक, यानी 18 साल से 28 वर्ष तक रहेगी। सैलरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से स्टार्टिंग है, ख़राब सैलरी नहीं है और इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हमेशा होता रहेगा जो एक हाई रेंज तक पहुँचेगी, नो डाउट। और अगली बात ये करता हूँ, क्वालिफिकेशन अगर एजुकेशन से रिलेटेड देखी जाए तो आपका 10th पास होना इनफ है। आप पूरे इंडिया में कहीं से बिलोंग कर रहे हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत फिजिकल एलिजिबिलिटी है, मैं अभी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करूँ आपकी, तो यदि आप पुरुष हैं और जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो आपकी हाइट रहने वाली है वो दरअसल 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की रेंज 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और जो रनिंग होगी वो आपकी 5 किलोमीटर कुल 24 मिनट में। वहीं यदि आप एसटी से बिलोंग करते हुए पुरुष हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो 162.5 सेंटीमीटर होगी, और चेस्ट की बात करें तो जो चेस्ट की रेंज होगी वो आपकी 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होगी। रनिंग टाइमिंग जो होगी वो आपकी सेम होगी जो जनरल ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हुए मेल की होगी, वही आपकी भी होगी, यानी 24 मिनट में आपको बिल्कुल 5 किलोमीटर कवर करने होंगे। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी या एससी से
से बिलोंग करती हुई फीमेल्स के लिए जो हाइट होगी वो 157 एक्सेप्टेबल है, 157 सेंटीमीटर। और रनिंग टाइमिंग की बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और एसटी की अगर आप बिलोंग करती हुई वुमन हैं तो आपके लिए हाइट में कुछ छूट है, वो 150 सेंटीमीटर है, आपके लिए 150 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल है। और रनिंग टाइमिंग सेम है जितनी एक जनरल ओबीसी या एससी से बिलोंग करती हुई महिला की होगी, वही आपकी भी रनिंग टाइमिंग है, आपकी भी वही 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। तो ये कुछ जानकारी रही इसके बारे में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म ज़रूर फिल करें, मैं तो कहूँगा आपको ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि फ़ीस वगैरह भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये हैं। और इसी के साथ यदि आप फॉर्म भरते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत।